हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंपेयर करेंगे एक स्कूटर सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट BS6 FI के साथ होंडा SP125 BS6 FI। चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये स्कूटर आपके लिए अच्छा होगा और ये बाइक। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले स्कूटर सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट BS6 FI का कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसका टॉप स्पीड है 95 km/h, एक्सोरूम प्राइस है 79,700 इन दिल्ली, मैक्सिमम पावर 8.7 PS एट द रेट 6,750 RPM और इसका मैक्सिमम टॉर्क 10 Nm एट द रेट 5,500 RPM। इसका माइलेज ओवरऑल 50 km/l। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.5 लीटर फ्यूल और कार्ब वेट 110 kg। दोस्तों होंडा SP125 इंडिया में एक फास्टेस्ट सेलिंग बाइक है और इसका कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसका टॉप स्पीड है 92 km/h, एक्सोरूम प्राइस 74,467 इन डेली, मैक्सिमम पावर 10.8 PS एट द रेट 7,500 RPM, मैक्सिमम टॉर्क 10.9 Nm एट द रेट 6,000 RPM और इसका माइलेज है 60 km/l इन ओवरऑल रोड्स। इसका सीट हाइट है 790 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर फ्यूल और गियरबॉक्स 5 स्पीड। दोस्तों बर्गमैन स्ट्रीट का इंजन है 124 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 फ्यूल इंजेक्टेड किक एंड सेल्फ स्टार्ट इंजन। होंडा SP125 का इंजन है 124 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 फ्यूल इंजेक्टेड सेल्फ एंड किक स्टार्ट इंजन। सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट BS6 का रियर सस्पेंशन सिस्टम आता है स्विंग आर्म के साथ। होंडा SP125 का रियर सस्पेंशन सिस्टम हाइड्रोलिक टाइप। बर्गमैन स्ट्रीट का रियर टायर है ट्यूबलेस ऑयल एंड ग्रिप डिजाइन। इसका रियर टायर साइज है 90x100 और ये आता है 10 इंचेस अलॉय व्हील के साथ। SP125 का रियर टायर है ट्यूबलेस ऑयल एंड ग्रिप डिजाइन के साथ आता है। इसका रियर टायर साइज है 80x100 और ये आता है 18 इंचेस अलॉय व्हील के साथ। सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट का सीट बहुत ही कंफर्टेबल और वाइड रेंज के साथ आता है। इसका अंडर सीट स्टोरेज है 21.5 लीटर और इसका सीट हाइट है 780 mm। होंडा SP125 का सीट बहुत ही कंफर्टेबल है और ये लॉन्ग सीट के साथ आता है। इसका सीट हाइट है 790 mm। सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट का फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम आता है टेलीस्कोपिक फॉर्क्स के साथ। होंडा SP125 का फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम आता है टेलीस्कोपिक फॉर्क्स के साथ। बर्गमैन स्ट्रीट का फ्रंट टायर है ट्यूबलेस ऑयल एंड रियर ग्रिप डिजाइन के साथ आता है। इसका फ्रंट टायर साइज है 90x90 और ये 12 इंचेस अलॉय व्हील के साथ आता है और इसके साथ आपको मिल जाएगा फ्रंट ब्रेक डिस्क। होंडा SP125 का फ्रंट टायर है ट्यूबलेस ऑयल एंड ग्रिप डिजाइन के साथ आता है। इसका फ्रंट टायर साइज है 80x100 और ये आता है 18 इंचेस अलॉय व्हील के साथ। बर्गमैन स्ट्रीट का बैकलाइट डिजाइन बहुत ही अच्छा है और ये आता है LED लाइट के साथ। होंडा SP125 का बैकलाइट डिजाइन बहुत ही अच्छा है और ये आता है बल्ब लाइट के साथ। सुजुकी बर्गमैन का स्पीडोमीटर है डिजिटल, ऑडोमीटर है डिजिटल, ट्रिपोमीटर है डिजिटल, फ्यूल गॉज है डिजिटल और इसका फुल कंसोल है डिजिटल। होंडा SP125 का मीटर देख लेते हैं। इसका स्पीडोमीटर है डिजिटल, ऑडोमीटर डिजिटल, फ्यूल गॉज है डिजिटल और इसका फुल कंसोल आता है डिजिटल में। सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट का फ्रंट हेडलाइट डिजाइन बहुत ही अच्छा है और ये आता है LED लाइट के साथ। होंडा SP125 का फ्रंट हेडलाइट देख लेते हैं। इसका फ्रंट हेडलाइट डिजाइन काफी स्मार्ट है और ये आता है LED लाइट के साथ और इसका एडिशनल फीचर है साइलेंट स्टार्ट विथ ACG, गियर पोजिशन इंडिकेटर और इको इंडिकेटर। दोस्तों सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 BS6 FI और होंडा SP125 BS6 FI का जो कंपैरिजन है उसके बाद मुझे तो अच्छा लगा ऑल फीचर में से होंडा SP125 को। आपको दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में लिखिए और आपका कौन सा बाइक पसंद है ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर watching this video. If you like, then please share and subscribe my channel.